निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कृत्रिम अंग व सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को उनकी आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग व सहायक उपकरणों को उपलब्ध कराए जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 9 प्रकार के उपकरण को उपलब्ध कराने के लिए 3 फर्मों का चयन किया गया है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने बताया कि जनपद में 27 जनवरी से 4 फरवरी तक निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार विभिन्न कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों को पात्र दिव्यांगजनों को चिन्हांकन किया जाना है, जिसके लिए विकास खंडवार कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में दिव्यांग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, एक नवीन रंगीन फोटो, मोबाइल नंबर लाना अनिवार्य है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजय पांडेय ने कहा, हाँ देखिए, दिव्यांग जन के लिए अभी कैंप चल रहा है विभिन्न यहाँ ब्लॉक में, हर जगह एक एक दिन दो दो दिन हम लोग कैंप लगा करके खासतौर पे जो दिव्यांग जन है उनका ज़रूरत के हिसाब से उपकरण का नापतोल, पैमाइश इत्यादि होगा। उस पर किसी का भी कैलिपर चाहिए, किसी का भी जो आर्टिफिशियल लिम चाहिए और किसी का भी कोई डिवाइस चाहिए, वो आकर के इसी ब्लॉक में अपने नाम दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो 3 फर्म है उसका भारत सरकार माध्यम से, राज्य सरकार माध्यम से चयनित है, उन लोग आकर के उस पर 1 महीने के बाद फिर वो वितरण करेंगे। और सभी को मैं अनुरोध करता हूँ, आपका यदि आसपास और कोई जानने वाले दिव्यांग है तो उनको ज़रूर बता दें, ब्लॉक में संपर्क करें, जो नज़दीकी ब्लॉक में उसी ब्लॉक में जा करके कैंप के दिन में अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने नापतोल कर लें और जो ज़रूरत हिसाब से अपने डिवाइस भी मेंशन कर लें, यथासंभव सबको दिलाने के लिए प्रयास करें। सर निःशुल्क रहेगा, शुल्क रहेगा? ये निःशुल्क रहेगा, निःशुल्क रूप से राज्य सरकार और भारत सरकार इसको उपलब्ध कराएगी।